में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिग वेल्डिंग मशीन का इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। पहले हम कनेक्शन वायर लेंगे, 3 फेज की कनेक्शन वायर, एटलीस्ट 6 mm की होनी चाहिए। ये 6 mm की वायर होनी चाहिए। इसको हम बैक साइड में कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर ये 3 फेज सप्लाई, 3 फेज कनेक्शन हम यहाँ पर लगाएंगे। RYB रेड कलर, येलो कलर एंड ब्लैक कलर यहाँ पर है। मशीन के अंदर पहले हम लोग 3 फेज कनेक्शन लगा देंगे। इसके बाद हम 25 एम्पियर की MCB जो अपर साइड में दिया हुआ है, वहाँ पर हम इसका थ्री फेस यहाँ पर हमारा मशीन के अंदर कनेक्ट हो गया है। थ्री फेस कनेक्ट करने के बाद फ्रंट में देखना है कि हमारा मशीन का जो फ्रंट में ये स्विच दिया हुआ है, ये ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। अब ये ऑफ कंडीशन में है ये स्विच। इस स्विच के और भी फंक्शन है। मशीन को हमें लो पे चलाना है, इट मीन्स कि हमारी शीट की थिकनेस बहुत कम है, उस पर हम मशीन को इस लो पॉइंट की तरफ घुमा के हम वर्किंग करेंगे। शीट थिकनेस अगर जो हमारी मोटी है, इस मशीन को हम लोग हाई पे करके इसको चलाएंगे। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको ऑफ करते हैं, और जो हमने 3 फेज कनेक्ट किया हुआ है वहाँ से हम लोग सप्लाई को ऑन कर, ये हमने यहाँ से ऑन कर दिया। ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये मेन का इंडिकेटर है। ये टॉप में करेंगे तो गैस चेक दिखाएगा, और नीचे करेंगे तो अपना आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा। यहाँ पर ये गैस का इंडिकेटर है। ये 4 ट्रैक है और 2 ट्रैक है। 2 ट्रैक का मतलब होता है जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वायर हमारी बाहर आएगी। 4 ट्रैक पे अगर जो हम इसको कर देते हैं, सपोज़ करो हमें कहीं पर भी लंबी वेल्डिंग करनी है, हम एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो वायर ऑटोमेटिक निकलती जाएगी 4 ट्रैक। अभी हम इसको 2 ट्रैक पे रखते हैं। यहाँ से हमने मशीन को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी गैस आ रही है कि नहीं। ये गैस का इंडिकेटर है, इट मीन्स इससे हमें पता चलेगा कि हमारी गैस आ रही है। अब हम मशीन के जो दूसरे पार्ट हैं, जैसे वायर फीडर पे जो नेगेटिव पॉजिटिव केबल होती है उसको हम कनेक्ट करना सीखेंगे। ये वायर फीडर में पॉजिटिव केबल होती है, और ये जो हमारा 10 पिन का कनेक्टर है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने का एक छोटा सा लूप पॉइंट है, इसमें ये पॉइंटेड एक कट दिया हुआ है। इस कट को नीचे वाले मेल में ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को देख के इसको इस तरीके से इसके अंदर प्रेस करना है। देन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाना है। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये एक पॉइंट पे आने के बाद अपने आप टाइट हो जाएगा। टाइट होने का मतलब है कि ये हमारा मेल फीमेल कनेक्टर अपने आप इसमें अच्छी तरीके से बैठ गया है। अब हम ये पॉजिटिव केबल यहाँ पर पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बोल्ट को खोलेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर डाल के ये वॉशर लगाएंगे। वॉशर से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बनती है। इसके बाद हम ये नट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। नट कनेक्ट करने के बाद चाबी से इसको प्रॉपर टाइट करना है।
ये हमारा लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। सपोज अगर जो लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा। ये हमारा नेगेटिव केबल है, जिस भी जॉब पे हमें वेल्ड करना है फर्स्ट कनेक्टिविटी यहाँ, और ये जो इसका एंड है ये अपना जॉब के ऊपर कनेक्ट होना है। इसमें भी वॉशर लगाना इम्पोर्टेंट है। वॉशर से क्या होता है कि कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी बन जाती है और ये अच्छे तरीके से लॉक होके टाइट हो जाता है। स्टार्ट। ये हमारा CO2 फिल्टर है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ठंडी होती है, जिसके कारण हमें यहाँ पर ये हीटर लगाना होता है। CO2 हीटर, रेगुलेटर प्लस फ्लो मीटर। जब हम इसके इस पॉइंट को 220 का ये पॉइंट है, मशीन के बैक साइड में ये हीटर का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन है गैस प्री हीटर 220 वोल्ट। इस गैस प्री हीटर को हम यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ से इसको लगा देते हैं। इस मशीन के बैक साइड में हर ऑपरेशन के फ्यूजेस दिए हुए हैं, जैसे 10 एम्पियर का फ्यूज कंट्रोल का है, F2 जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उसका फ्यूज है, F3 ये हीटर का फ्यूज है, F4 ये फैन का फ्यूज है। इट मीन्स कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्टर, हीटर, फैन, ये चार फ्यूज हमारे मशीन के बैक साइड में लगे होते हैं। कभी भी कोई फॉल्ट होगा तो ये फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा, और जब हम मशीन चेक करेंगे तो सबसे पहले टर्बो शूटिंग ये करनी है हमें कि मशीन के पीछे ये 1, 2, 3, 4 नंबर मेंशन है, F1, F2, F3, F4, इसको हमें खोल के चेक करना है, और अगर जो खराब है तो इसको हमें दूसरा लगाना है। ये मशीन का गैस का पाइप है, इसको हमें इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। ये जो रेगुलेटर है इसके काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ लगाने के बाद CO2 रेगुलेटर गैस पास करने का सबसे आसान तरीका, सिलेंडर को खोलने से पहले ये जो हमारा की है ये पूरा की खुला होना चाहिए। इसके अंदर एक रबड़ का पार्ट होता है, उसके ऊपर एक फ्लाई पिन होता है। सपोज करो ये हमारा टाइट है, अगर इस पॉइंट पे टाइट है और हमने अपने गैस के सिलेंडर से इस वॉल को खोल दिया, तो इस सिलेंडर का सारा प्रेशर इस रेगुलेटर के ऊपर आ जाएगा, जिससे 1 सेकंड के अंदर ये रेगुलेटर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को हमें लूज करना है, इस पॉइंट को हमें लूज करना है। हमने इसको लूज कर दिया, देन अब हम इसमें अपनी चाबी लगाएंगे सिलेंडर की। सिलेंडर की चाबी लगाने के बाद अब इसको खोलेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा सिलेंडर का प्रेशर, हमारे सिलेंडर का प्रेशर डायरेक्ट इस रेगुलेटर के ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको फिर बता दूं, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीटर लगा हुआ है, इस गैस को थोड़ा गर्म करेगा, ये गर्म करने के बाद इस रेगुलेटर में आएगा। रेगुलेटर सिलेंडर खोलने से पहले रेगुलेटर का नोब पूरा खोला होना चाहिए। जब आप सिलेंडर को खोल लोगे इसके बाद इस रेगुलेटर के नोब को लगाना है। इसमें 2 इंडिकेशन दिए हुए हैं, 2 घड़ियाँ दी हुई हैं। जो पहली घड़ी है वो हमारे इस सिलेंडर का प्रेशर शो करती है। दूसरी घड़ी, जितनी गैस हम खोलेंगे यहाँ से, हम जितनी गैस खोलेंगे वो यहाँ से शो करेगा। जो दूसरा वाला हमारा इंडिकेटर है ये हमारा गैस शो करेगा कि हमारा गैस कितना बाहर जा रहा है। फ्लो मीटर, वेल्डिंग में हमें कितनी गैस की रिक्वायरमेंट है ये हम यहाँ पर MPa में चेक करते हैं, या लीटर पर मिनट में चेक करते हैं। 2 रेशो होते हैं, MPa और लीटर पर मिनट। अब इस प्रेशर को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो इस वॉल से हम इसको 10, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। कभी भी हमें कंटिन्यूस वेल्डिंग करनी है तो 10 और 15 के बीच में इस वॉल को रखना है। अब हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, ये हमने 10 और 15 के बीच में सेट कर दिया। अब हम मशीन, ये हमारा 1.2 का वायर का रोल है, इसको अब हम लोड करना सिखाएंगे कि ये किस तरीके से हमारा 1.2 का वायर का रोल हमारे वायर फिटर पे लोड होगा। ये हमारा स्पूल होल्डर है, स्पूल होल्डर के अंदर ये हमारा एक लूपिंग पॉइंट है जो
वायर फिटर के इस पॉइंट में होल में ये कनेक्ट हो जाता है। इसको हम लगाएंगे। ये हमारा उस पॉइंट में जाके अंदर इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको स्पूल होल्डर को स्पूल होल्डर के नट से यहाँ पर लॉक करेंगे। ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें वायर के रोल को किस तरीके से अंदर डालना है। अब हम वायर को इसके अंदर वायर गाइड के अंदर डालेंगे। यहाँ से ये जो ड्राइव रोल लगा हुआ है इसमें दो ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ पर 1.2 की वायर और 0.8 की वायर दोनों वायर चला सकते हैं। अभी यहाँ पर 1.2 मेंशन है। ये जो वायर जाएगा हमारे 1.2 के ग्रुप में होके यहाँ से निकल के ये बाहर के साइड में आएगा। ये जब बाहर के इस तरीके से बाहर आएगा इस पॉइंट से हमारा वायर आता है। ये हमारा टॉर्च के स्विचेस के लिए पॉइंट होता है। ये हमारा गैस का पॉइंट होता है। अब हम इसको इस पॉइंट से लॉक करेंगे। अब ये हमारा वायर लॉक हो गया। अब हम यहाँ पर टॉर्च कनेक्ट करेंगे अपनी। ये मिग वेल्डिंग की टॉर्च है। मिग वेल्डिंग की टॉर्च इसको हम 36 KD के नाम से भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपना टॉर्च का पॉइंट है इस पॉइंट को केयरफुली, ये जो पॉइंट है ये होल है, इस होल के अंदर हम लोग वायर को डालेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये गैस का पॉइंट है। ये गैस के पॉइंट के इंसर्ट में अंदर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हाथ से टाइट कनेक्शन होना चाहिए। ये टाइट होने के बाद ये हमारा टॉर्च के स्विच का पॉइंट है। इसको हम इस तरीके से, इसके अंदर भी यहाँ पर ग्रुप मेंशन है, यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप के अंदर हम यहाँ से इसको अंदर डालेंगे। डालने के बाद ये थ्रेड यहाँ पर टाइट कर देना है। अब हम ये टॉर्च का